नमस्कार, दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालेंगे आज की अहम खबरों पर। दिल्ली के विधायकों को खरीदने के लिए करोड़ों रुपए तैयार, डिप्टी सीएम सिसोदिया ने बीजेपी पर लगाया ऑपरेशन लोटस का आरोप। दिल्ली के मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया, साथ ही उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को कड़ा रुख दिखाया। अगली खबर, इंदौर से जेब से पैसे चुराने पर युवकों को जमकर पीटा, गाड़ी से बांधकर सड़क पर घसीटा। मध्य प्रदेश के इंदौर में हुई चोरी की घटना को लेकर एसीपी निहित उपाध्याय ने बताया कि घटना सुबह करीब 8 बजे के आसपास की है। नाबालिग लड़कों के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था। दिल्ली में होगी ड्रैगन की घेराबंदी, 31 अक्टूबर से 4 नवम्बर तक बनेगा प्लान। दिल्ली में होने वाली नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस और नौसेना प्रमुख राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर संबोधित करेंगे। मौलाना साहिब मेहंदी दूसरी बार बने ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के अध्यक्ष, कॉमन सिविल कोर्ट का विरोध जारी। कोयंबटूर कार ब्लास्ट केस में निकला जिहादी कनेक्शन, मुबीन से पहले भी हुई थी पूछताछ। कार ब्लास्ट में मारे गए मुबीन से 2018 में कथित आतंकी संबंधों को लेकर एनआईए ने पूछताछ की थी। जमशेदपुर में छठ को लेकर विवाद, पूर्व सीएम रघुवर दास और एमएलए सरयू राय के समर्थकों में मारपीट, फेंकी कुर्सियां। झारखंड में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। इस दौरान जमशेदपुर जिले के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर पर छठ पूजा को लेकर होने वाली तैयारियों को लेकर विवाद शुरू हो गया और दो गुटों के बीच जमकर मारपीट हुई। अमित शाह की अध्यक्षता में 5 नवम्बर को होने वाली पूर्वोत्तर परिषद की बैठक टली, जल्द होगा नई तारीख का ऐलान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसी महीने की 8 तारीख को असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर परिषद की 70वीं पूर्ण बैठक की अध्यक्षता की थी। चुनाव से ठीक पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड बीजेपी का एजेंडा, गुजरात सरकार पर कांग्रेस का हमला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक की बसवराज बोम्मई सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि कर्नाटक में घूस घोटाला सामने आया है जिसके दोषी बसवराज बोम्मई है। अशोक गहलोत का आप और बीजेपी पर हमला, कहा चुनावी बॉन्ड का 95% हिस्सा ले रही है भाजपा। जालना राम मंदिर की मूर्ति चोरी मामले में एसआईटी टीम को मिली बड़ी सफलता, 2 आरोपी गिरफ्तार, कई ऐतिहासिक मूर्तियां बरामद। टीएमसी विधायक की पत्नी ने जीती 1 करोड़ की लॉटरी, बीजेपी ने मनी लॉन्ड्रिंग का लगाया आरोप। पश्चिम बंगाल में टीएमसी विधायक विवेक गुप्ता की पत्नी ने 1 करोड़ रुपए की लॉटरी जीती है, इसे लेकर बीजेपी ने सत्तारूढ़ पार्टी पर लॉटरी के जरिए धन शोधन करने का आरोप लगाया। यूपी में युवाओं को ना भर्ती मिली ना उम्मीद, सड़क पर उतरे तो उपद्रवी कहलाएंगे। योगी सरकार पर बरसे वरुण गांधी राज्य या केंद्र सरकार किसी को भी आड़े हाथों लेने से नहीं चुकते, तमाम मुद्दों को लेकर वह अपनी ही सरकार को निशाना बना चुके हैं। गुजरात में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए बनेगी समिति, सीएम भूपेंद्र पटेल ने किया फैसला। अगली खबर, राजस्थान के बूंदी से चारों भाई बहन मूक बधिर, दो ने सरकारी नौकरी पाकर लहराया कामयाबी का परचम। नैनवा के रहने वाले दो मूक बधिर भाई बहन का कनिष्ठ सहायक के पद पर चयन हुआ है। इस कामयाबी से पूरे परिवार में खुशी का माहौल है, पूरा गाँव उन्हें बधाई संदेश दे रहा है। रोडवेज के पास कर्मचारियों को वेतन देने के पैसे नहीं, सीएम गहलोत ने दिए 360 करोड़ रुपए। राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा के संयोजक एमएल यादव को कहना है कि वर्तमान में प्रदेश में रोडवेज के पास साधारण बसें खरीदने के लिए पैसे नहीं है। जोधपुर के आसमान में गरजने लगे भारत और फ्रांस के राफेल, 7वां संयुक्त युद्धाभ्यास गरुड़ हुआ शुरू। कुपवी पहुंचा शहीद कुलभूषण माता का पार्थिव शरीर, शिमला का जवान आतंकियों से लोहा लेते हुए हुआ था घायल। मुस्लिम वोटरों को फंसाने का काम कर रहे उद्धव, बीजेपी नेता आशीष शेलार ने लगाया आरोप। बीजेपी नेता आशीष शेलार ने उद्धव ठाकरे पर सामना में लेख के जरिए सियासत साधने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि उद्धव मुस्लिम मतदाताओं को फंसाने का काम कर रहे हैं। दिल्ली मेट्रो एनसीआर बुलेटिन में आज के लिए फिलहाल इतना ही, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।